पोस्टर शूटिंग चल रही है। चलो उठा लो भाई। हाँ मंडे को तीन फ्री हो गए थे, अभी हम लोग आए हैं कुछ पेट पूजा के लिए। क्या वेलकम बैक टू फेमोलॉजी, दिस इज़ मी अंबर रिज़वी। वेलकम बैक टू मदर ब्लॉग, वेलकम बैक टू मदर वीडियो। तो आज मैं यूनिवर्सिटी आई गई थी तो मैंने सोचा चलो आज ब्लॉग बना लेती हूँ। सोचा तो नहीं था लेकिन अभी आई हूँ, बैठी हुई थी क्योंकि अभी मेरे पॉइंट ने आना है तो फिर मुझे पॉइंट आगे लेकर जाएगा, तो अभी पॉइंट का वेट कर रही हूँ। तो मैंने सोचा आज ब्लॉग बना लेती हूँ, तो आज का दिन मैं आप लोग को दिखाऊँगी कि आज क्या क्या होता है। तो अब पॉइंट आने वाला है, पॉइंट का वेट कर रहे हैं, तो आज का ब्लॉग हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। सो स्टे कनेक्टेड। आज आप देखिएगा कि आज क्या क्या होता है, आज हमारा दिन कैसे गुजरता है। वैसे आज अगर मैं आप लोगों को अपनी यूनिवर्सिटी का विज़िट बाद में कभी करवाऊंगी, लेकिन आज जो भी होता है वो आप लोगों को तो स्टे कनेक्टेड। तो अभी आज हमारी यूनिवर्सिटी में ड्रामा शूटिंग चल रही है और ये प्रैक्टिस रिहर्सल कर रहे हैं, तो बस अभी ये हम देख के फिर हम अपनी क्लास लेने जाएंगे। क्लास छोड़ के मेरी फ्रेंड भी बनाने मशरूम है, तो अब हम चलते हैं क्लास लेने। इंतजार हो रहा है और फोर्थ फ्लोर पे हमारी क्लास है, तो अभी इस क्लास को चलते हैं। देर हो गई है शूटिंग प्लान करने का, शूटिंग की वीडियो बनाने में देर हो गई है, बस अभी क्लास लेने के लिए चलते हैं। कौन सी क्लास है हमारी? 403। सो क्लास एंड करेंगे, फिर दो घंटे बाद हमारी क्लास एंड होगी और फिर हम अपना ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे कि हम क्या करते हैं। अभी तो मैंने आपको प्रॉपर अपनी विजिट करवाऊंगी क्लास, बट बाद में करवाऊंगी, तो हमारी क्लास में नहीं थी। चलो One hour later. तो फाइनली मेरी क्लास एंड हो गई है और अब क्लास बिल्कुल हो गई है खाली, और हम लोग अब जा रहे हैं स्टूडेंट अफेयर में क्योंकि मेरे कुछ बहुत सारे इश्यूज हो गए जो कि मुझे रिजॉल्व करवाने, तो अब मैं स्टूडेंट अफेयर जाती हूँ। चलो जी चलें। क्योंकि कल गैप है, हाँ मंडे को तीन क्लासेस हैं। तो स्टूडेंट अफेयर आ चुके हैं और अब स्टूडेंट अफेयर आ गया। चलो जी, तुम्हारे साथ तो बहुत सारे इशूज़ हैं, मेरे साथ भी बहुत सारे इशूज़ हैं। अंदर चलते हैं, अपने इशूज़ बताते हैं और अपना काम रिजॉल्व करवाते हैं। यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा ख्वारी है। अच्छा, यूनिवर्सिटी आने से पहले लगता था कि बहुत अच्छी लाइफ होगी, लेकिन भाई अब तक फील होता है कि कोई अच्छी लाइफ नहीं होती, इंसान ख्वार हो जाता है। मेरा तो यहाँ आते आते ही ना वज़न कम हो गया, आप लोगों को पता चल जाएगा मेरा यहाँ आने में वज़न कम होने लग गया। चलते जाओ ऊपर नीचे लिफ्ट हैं, लेकिन लेफ्ट जो है वो आगे पीछे तो नहीं करवाती ना, ऊपर नीचे करवाती ना, ये जो पूरी यूनिवर्सिटी में घूमना होता है ना, मेरा तो 10 किलो वजन जो है ना एक हफ्ते में कम हो चुका है। चलो चलें, लेट्स गो। फ्यू मोमेंट्स लेटर। सो फाइनली हम लोग वहाँ से फ्री हो गए थे, अभी हम लोग आए हैं कुछ पेट पूजा के लिए। क्या ले रही हो जोया? बिग एप्पल। चलो जल्दी से ले लो यार, मुझे भी बहुत भूख लग रही है। अच्छा, ये ऐसी मशीन है कि इसके अंदर पैसा डालो तो बड़े बड़े नोट लेगी, छोटे छोटे नोट वापस कर देगी, सिक्के वापस करेगी, नोट नहीं करेगी। हाँ। गजब बेइज्जती है। हाँ, सिक्के वापस करती है। सुबह आओ कुछ भी खा के नहीं आते, यहाँ भी आओ मेरा तो कोई नोट ही नहीं लेता, ये मेरा तो नोट ही नहीं लेता, इसको मेरा से मतलब ले लिया। चलो सेलेक्ट करो E5। अब आगे क्या है? कुछ नहीं, नहीं कुछ नहीं कर रहा, चीज दे रहा है, चीज आ रही है। चलो 20 का तो कुछ भी नहीं है, C3 ले लो। मैंने सोचा मैंने सिक्के वापस ही ले ले। C3 मेरे साथ भी सेम ऐसा ही कुछ कर लो। चलो आज मेरे जैसा सूट पहनकर आ गई है और मैंने भी वैसे ही पहना हुआ है। मैंने लिया था ये अलकरम से, इन्होंने भी अलकरम से लिया हुआ है।
निकल। अभी हम अपनी कैंटीन आए हुए हैं कुछ खाने के लिए लेने के लिए। उजड़ी हुई कैंटीन, उजड़ी हुई बहुत बेकार हुई है। अभी इस टाइम यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, सब चीज़ें खत्म हो चुकी है। और यहाँ पे बताओ क्या क्या बचा, ये भी सब चीज़ें खत्म हो गई हैं। हम लोगों की जिंदगी ऐसी है कि जब हम हमें कुछ खाने का टाइम मिलता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। टॉप फ्लोर की तरह खाली हो गया सब कुछ। ये देखें भाई, इतने से प्राइस मिले हमें 200 रुपीज के। ये प्राइस है यहाँ पर, नहीं मेरे लिए इतना प्राइस बहुत है। चलो उठा लो भाई, हम लोगों ने केचप वेचप डाल लिया, उठा लिया। केचप वेचप डाल लिया। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में हमें ये जगह मिली है कि हमें यहाँ बैठ के खाना पड़ रहा है, बैग खाना पड़े। मेरे साथ तो क्या हुआ, ये प्राइस रखते थे, ये मेरे प्राइस गिर गए। मैं बैठ रही थी, मेरे सारे प्राइस गिर गए। मैंने उधर जाके एक चिकन पॉकेट भी मिला, मजेदार है। तुम्हें मिला, तुम खाओ, मजे मजे से खाओ। चले जी, अब हम लोग खाते हैं फिर। अब यहाँ पे तो अभी भी शूटिंग चल रही है, आई थिंक सो। देखो अभी तक स्टिल शूटिंग चल रही है। खाते हैं और चलते हैं। हमारी शटल का टाइम हो रहा है, शटल आने वाली है। A few moments later. तो अभी हम लोग को ना गाने की आवाज़ आ रही थी, एक लड़का बहुत प्यारी सिंगिंग कर रहा है, वो सुनने के लिए मैं आ गई हूँ यहाँ पे। मैं आप लोगों को भी सुनाती हूँ। यूनिवर्सिटी से मैं निकल गई थी, मैं इम्तियाज आई हूँ। मुझे कुछ लेना था इम्तियाज से, कुछ शॉपिंग वॉपिंग करनी थी। मैंने एक शर्ट ली है और भी कुछ सामान लेना है, बस अभी मैं ये निकलती हूँ। फिर चीज़ें लेती हूँ ये वाली, तो मैं निकलती हूँ घर के लिए। फेस वॉशेज हैं जो मैं यूज़ करती हूँ, अभी मैं इसमें से कुछ लेती हूँ। और अभी लारिफ साथ है नहीं, वरना तो मैं लेती हूँ। अभी मैं बिल्कुल अकेली आई हूँ, पापा मुझे लेने के लिए आए हुए नीचे वेट कर रहे हैं। तो जो समझ आता है मैं लेती हूँ, तो फिर मैं घर के लिए निकलूँ, क्योंकि पापा नीचे वेट कर रहे हैं। Few moments later. तो फाइनली मैंने अपनी शॉपिंग वगैरह कर ली है, पर अब पापा कर रहे हैं नीचे वेट, तो मैं जा रही हूँ। ज़्यादा मैं कुछ ले नहीं सकी क्योंकि पापा नीचे वेट कर रहे हैं, और मुझे घर जाना, मैं सुबह से घर से निकली हूँ, बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। इम्तियाज में इतना रश है कि कोई हद नहीं है रश के। थे और आज इतना ट्रैफिक था बाहर, इतना ट्रैफिक था कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। कहीं PSL मैच हो रहा है, कहीं कॉन्सर्ट हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। मैं इतनी मुश्किलों से घर पहुंची हूँ, मेरे सर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि मैंने फिर व्लॉग नहीं बना सकी। घर आई हूँ, बस थोड़ा सा खाना वाना खाया, खाना भी अलग से नहीं नीचे उतर रहा था। और गेस्ट आए हुए थे तो बस उनको अटेंड किया, और फिर क्या कहते हैं अभी मैं आ गई, मेरा टाइम हो गया पढ़ने का। और मैं अब डेली रूटीन के ब्लॉग तो नहीं बना सकती, चलें कभी घर में मैं करूँगी, बना लिया करूँगी, लेकिन इसी तरह के ब्लॉग्स आप लोग को मिलते रहेंगे। जब जब टाइम मिलेगा इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। तो आप लोग को पता है कि ब्लॉगिंग भी कोई इतनी आसान काम तो है नहीं ना, और पढ़ाई भी करनी है, तो इस वजह से जब मौका मिला करेगा ब्लॉग बनाया करूँगी। होप सो कि मेरा ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर इस तरह के ब्लॉग आप लोगों ने और देखने, या आप लोगों ने मुझसे कोई सवाल करने हैं, कोई भी अपने एडमिशन जो न्यू हो रहे हैं, और आप लोगों को किसी भी नॉलेज के, या किस तरह क्या क्या स्टडी होती है, या किस किस तरह के जो आप लोगों को पता है प्लेटफॉर्म होते हैं जो यहाँ तक आने के लिए, तो उस तरह के आप लोग मुझसे सवाल कमेंट में कर सकते हैं। और मैं उसकी भी एक प्रॉपर वीडियो बना के आप लोगों को शेयर करूँगी, ताकि न्यू बैच के लिए, न्यू स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी आसानी हो सके। जो हम लोगों ने स्ट्रगल किया, जो हम लोगों को परेशानियाँ झेलनी पड़ी, वो आप सबको ना झेलनी पड़े। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को भी एडवाइसेस देती रहूँगी, और आप लोगों के लिए प्रॉपर वीडियो बना के डालूँगी। सो अब आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, तो मेरे व्लॉग को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। पढ़ाई करूँगी, उसके बाद अपना सोऊंगी, फिर इंशाल्लाह आप लोगों को इस तरह के व्लॉग मिलते रहेंगे। सो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।